Hello friends, welcome back to our channel Reaction India. Today with us Tanuja. Hello. And we are going to react another video of Bangladesh. So the title of this video is India-Bangladesh border. Basically ये India-Bangladesh border का एक video होने वाला है. तो ये 4 मिनट की video है. तो इंडिपेंडेंट बांग्लादेश के चैनल से अपलोड हुआ है. आप उनके चैनल को जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ साथ हमारे चैनल रिएक्शन इंडिया को भी सब्सक्राइब कीजिए. और उससे पहले मैं एक चीज बताना चाहूंगा आप सभी के लिए कि हमारे रिएक्शन इंडिया पर अब ज्वाइन बटन भी आ गया है. तो अगर आप चाहते हैं कि आप मेंबरशिप बनना चाहते हैं हमारे रिएक्शन इंडिया का, उससे कई सारे बेनिफिट होंगे जिससे आपको शॉर्ट आउट मिल सकते हैं. उसमें 3 ऑप्शंस हैं, गोल्ड, डायमंड, सिल्वर, गोल्ड एंड डायमंड. ठीक है, तो सिल्वर में आपको जो है 2-3 ऑप्शन मिलेंगे और गोल्ड में 2-3 ऑप्शन मिलेंगे और डायमंड में भी अलग मजा आएगा. तो मतलब कुल मिला के है कि सिल्वर में थोड़ा मजा है और गोल्ड में ज्यादा मजा है और डायमंड में तो है ही डायमंड में मजा ही मजा है. तो मतलब कई सारे हैं, लाइव स्ट्रीमिंग भी है. तो आप जो सब्सक्रिप्शन लेंगे उसी के अकॉर्डिंग आपको जो है मिलेगा. और मेंबर्स जो होंगे उनको वीडियोस जो है ना पहले मिल जाएंगे, यूट्यूब से भी पहले, जो यूट्यूब के बाकी दर्शक हैं. तो आप जाके देख सकते हैं और आप हमें सपोर्ट भी कर सकते हैं. तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो, उसके बाद बात करेंगे. काफी अच्छा ना, तनिक भालो ऐसे भी लगते हैं. ये बॉर्डर पे जा रहे हैं लोग, जैसे कि इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर पे. আরজন থেকে আঙ্কেল হচ্ছে কত মিনিট যাবে শিলিগুড়ি, তারপর শিলিগুড়ি থেকে কলকাতা, কলকাতা থেকে কটক, অর্থাৎ উড়িষ্যা. তাহলে শিলিগুড়ি যা রে, उसके बाद वो कोलकाता जाएंगे, देन उसके बाद पता नहीं क्या होगा. हॉर्न की बहुत मजा करते हैं बांग्लादेश में, इंडिया में. मतलब बहुत ज्यादा हॉर्न में बजाते हैं लोग. 8 किलोमीटर में हॉन्गिंग में नहीं, इंडिया बांग्लादेश इन सब कंट्री में बहुत ज्यादा हॉर्न बजाते हैं. 0.4 किलोमीटर मत होगे और समय लगे 3 घंटे मत. रोड की हालत खराब हो रखी है भाई. উপজেলার বাস স্ট্যান্ড, এখান থেকে আমরা বাস স্ট্যান্ড ঢাকা থেকে শুরু করে সারা দেশ কিন্তু এখান থেকে যাওয়া যায়. ভুঙ্গামারি থেকে রওনা হয়েছে. আবি আচ্ছা হ্যাঁ না, বেশি দূর নেই, যেতে সময় লাগবে 3 ঘন্টার মতো. गांव के बीच से गुजरते हुए सुंदर दृश्यों को देखते हुए अपनी मंजिल की तरफ पहुंचते हुए. और मंजिल है बांग्लादेश, इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर. ये
কসমেটিক সামগ্রী রাসায়নিক সার কাপড়ে সার মেলা মানে তৈরি বাসনপত্র ওষুধপত্র ইন্ডিয়া বাংলাদেশ কা ফ্ল্যাগ দিয়ে গেছে এবং আরো দেখা যায় ভারত যাত্রীগুলো যাদের ব্যাগ মালামাল এবং লাগেজ নিয়ে ঘোরাঘুরি। এইবার থেকে বাংলাদেশের লালমনিরহাট জেলার পাটগ্রামের বুড়িমারি স্থল বন্দর আর ওই পাশ থেকে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের কোচবিহার জেলার চ্যাংরাবান্ধা সীমান্ত। আমি এই সীমান্ত দিয়ে বেশ কয়েকবার ভারতে প্রবেশ করেছি। যাই হোক, আঙ্কেলকে রেখে ইমিগ্রেশন করিয়ে আজ চলে যাচ্ছি এই স্থল বন্দর থেকে। তো হমনে দেখা যাচ্ছে বর্ডার কিতনা জ্যাদা ক্লোজ হ্যায় না, ক্লোজ হ্যায় মতলব দেখো কি এক রোড হ্যায় और ट्रकें जा रही हैं, आ रही हैं, और देन उसके बाद क्या है कि ट्रकों के साथ साथ जो है लोग भी आ जा रहे हैं आई थॉट, और उनका बीएसएफ की फोर्स लगी हुई है, इधर उनकी भी फोर्स लगी हुई है, और दोनों के फ्लैग ऐसे क्रॉस करके लगाए गए हैं। तो वेलकम टू इंडिया, वेलकम टू बांग्लादेश। वेलकम टू इंडिया, जो बांग्लादेश से इंडिया जा रहे हैं, जो उधर से आ रहे हैं, वेलकम टू बांग्लादेश। तो मतलब इससे पता चलता है कि कंट्री के रिलेशन कितने अच्छे हैं। अभी पता है इंडिया के साथ बांग्लादेश के, अभी कल की एक मैंने न्यूज देखी थी जिसमें था कि जो महबूबा मुफ्ती हैं उन्होंने हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री जी के लिए आम भेजे थे। आम भेजे तो मतलब एक ये रिलेशन दिखाता है ना कि हाँ, तो ये रिलेशन दिखाता है और ये काफी अच्छी बात है कंट्रीज की ग्रोथ के लिए, अच्छा होता है। बाकी बात करें बांग्लादेश और इंडिया के जो संबंध है आपस में, बहुत अच्छे हैं। बॉर्डर देखो ना कितना ज्यादा क्लोज है, मुझे लगा कि बहुत लंबा फेंसिंग वेंसिंग हुआ होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। नॉर्मल ऐसा गेट है, अपना गेट खुला और चेकअप किया, पासपोर्ट उसके बाद देन चले गए, है ना। तो ट्रक वाले तो मुझे लगता है वो एक कंट्री दो कंट्री तो ऐसे ही घूमते हैं। हम जैसे लोग सोच सकते हैं वहां जाने के लिए ये ट्रैक पार करना पड़ेगा, वो ट्रैक देखना पड़ेगा, यहाँ जाना पड़ेगा, उनके लिए नहीं है भाई, घूम लो जा रहे हैं। तो अच्छा है यार, काफी अच्छा लगा। और आप लोग को प्लीज प्लीज मैं कहूंगा आप हमारे ज्वाइन बटन पे जाके आप एज अ मेंबर बन सकते हैं रिएक्शन इंडिया के। और एक बात और कि काफी दिनों से हमारी वीडियोस नहीं आ रही है रिएक्शन इंडिया पे, तो और एक चीज और आपको बोलना है कि आप हमारे चैनल को जाके सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। आप लोग के सपोर्ट की वजह से ही हमें जो है मेंबर्स बटन ऑन हुआ है। मैंने बोला था अगर आप लोगों ने 10,000 सब्सक्राइबर करेंगे तो ज्वाइन बटन आएगा और एक सरप्राइज होगा, तो ये सरप्राइज वही है कि अब आप रिएक्शन इंडिया के मेंबर बन सकते हैं। बिल्कुल, तो मिलते हैं हम आपको एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।